शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त और कफ, ये तीनों का बैलेंस हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम गैस से होने वाली समस्या और जो गैस की जो समस्या होती है उससे कैसे निजात पाए, योगासनों से और कुछ षटकर्मों से और कुछ मुद्राओं से गैस की समस्या को कैसे दूर करें, उसको कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हम कुछ आसन और कुछ मुद्रा आपको बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले खड़े होकर एक आसन करेंगे। ऐसे हम सिर्फ 5 या 6 आसनों को बताएंगे जिसका आप नियमित अभ्यास कर सकते हैं हर दिन 5 से 10 मिनट देकर। तो पहला हम करेंगे हस्त उत्तानासन। इसमें दोनों पैर को मिला लेंगे, टोस टू हिल दोनों पैर को मिलाएंगे, विथ इनहेलेशन आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, इनहेल एंड स्ट्रेच आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे पूरा, फिर एक्सहेल करते हुए बेंड करना है, बेंड करके कैच योर एंकल, फोरहेड टू द नी एंड कैच योर एंकल एंड बैलेंस। इसमें इस पोस्चर में आपका सिर टुवर्ड्स ग्रेविटी अर्थ की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जाता है, तो आपको इन्वर्टेड पोस्चर्स का भी बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ आपके कॉफ और हैमस्ट्रिंग का भी एक अच्छा वर्कआउट होता है। उसके साथ आपके जो अब्डोमिनल कंटेंट्स हैं जहाँ से गैस की समस्या शुरू होती है उसका एक नेचुरल मसाज होता है, आपके पूरा इंटेस्टाइन लीवर सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस पोस्चर में और जब आप छोड़ते हैं तो रिलैक्स होते हैं, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे इस पोस्चर में ऊपर आएंगे। इस तरह से इसका 3 to 5 times प्रैक्टिस करना है, हर एक बार 10 seconds तक पोस्चर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, 10 to 15 seconds हर एक पोस्चर होल्ड करना है, 3 to 5 times आपको रिपीट करना है। फिर बैठकर इसके बाद करेंगे वज्रासन, फेस दिस साइड। वज्रासन में बैठने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो ये 3 बड़े toes को ऐसे क्रॉस कर लेने हैं और हील को ओपन कर लेना है, हील के बीच में बट को रखेंगे और रिलैक्स वे में बैठना है, स्लोली सिट डाउन, परफेक्ट। अब इस पोस्चर की देखिए खासियत यह है कि इसमें आपको स्पाइन को सीधा करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद स्पाइन अपने आप सीधा हो जाती है, इस पोस्चर की डिमांड है ऐसी। अब स्पाइन सीधा हो गई यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो टोन्ड होता है, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड सब एक स्ट्रेट लाइन में है, आपका बॉडी स्ट्रेट है, माइंड इसमें स्वतः धीरे धीरे जैसे ही आप बैठते हैं इस पोस्चर में शांत होने लगता है, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी की जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, वो बढ़ती है, जिससे जो गैस की समस्या या इंडाइजेशन की जो भी समस्या होती है, जो इंडाइजेशन या एब्जॉर्प्शन किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो स्वतः दूर होने लग जाता है। इसको 2 से 5 मिनट तक हर मील के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद 2 से 5 मिनट इसमें बैठना चाहिए, यह एकमात्र ऐसा पोस्चर है जिसको आपको खाने के बाद करना चाहिए। तो इस तरह से बैठना है और इसमें कुछ भी नहीं, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, या फिर शांत मन से बैठे आईज क्लोज करके करें और सांसों पर ध्यान दें तो इसका लाभ और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से वज्रासन का प्रैक्टिस करेंगे। अब तीसरा पोस्चर है इस सीरीज में, तीसरा पोस्चर शशांक आसन। इसमें शशांक मतलब आपका जो रैबिट उसका जो नेचर होता है वह स्वतः ऐसे आपके बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि वैसा आपका नेचर कन्वर्ट होने लगता है, जो आपका स्ट्रेस और टेंशन है वो स्वतः धीरे धीरे इस पोस्चर को एडॉप्ट करने से दूर होने लगता है। और आप इसको यदि बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो जब भी आप आगे बेंड करते हैं तो फिर से सारे के सारे अब्डोमिनल कंटेंट का एक नेचुरल मसाज होता है। तो इस तरह से हम शशांक आसन करेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, आर्म्स को स्ट्रेट करेंगे, सिर को नीचे। अब इस पोस्चर में आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे छोड़ेंगे, सिर को थोड़ा से आगे की तरफ, बट को हील पर ही रखेंगे, इसमें हील को सेपरेट करके दोनों पैरों को गैप करके बैठना नहीं है फ्लोर पर, वो दूसरा आसन होता है, ये शशांक आसन है, ऐसे करना है इसको, आर्म्स को सीधा, इसको भी 10 to 15 seconds तक होल्ड करना है पोस्चर को, 3 to 5 times रिपीट करना है, स्लोली विद इनहेलेशन कम अप। अब इस पोस्चर के बाद हमने सिटिंग में 2 पोस्चर किया, अब इसके बाद लाई डाउन में 2-3 पोस्चर करेंगे, ऐसे 5-6 आसनों का एक सेट बनाएंगे। और भी दूसरे बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो कि गैस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम
कुछ 5-6 आसनों का ही प्रैक्टिस करेंगे और उनके बारे में ही हम आपको बताएंगे। अब सीधे पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, लाइ डाउन ऑन बैक, लेग्स स्ट्रेट। अब लाइ डाउन में पहला ही आसन, इसका नाम है पौन मुक्तासन। जैसा कि नाम से ही पौन मुक्तासन, जो शरीर में एक्स्ट्रा गैसेस हैं, जो एक्स्ट्रा एयर है, उसको बॉडी से मुक्त करते हैं, अलग करते हैं, दूर करते हैं, इसलिए पौन मुक्तासन। अब इसमें सिंगल लेग से भी करते हैं, डबल लेग से भी करते हैं, लेकिन गैस की प्रॉब्लम है और आप दोनों लेग से कर सकते हैं तो आपको वही करना चाहिए। अब इसमें दोनों पैर को आधी सांस भरते हुए एक साथ मोड़ेंगे और इस तरह से पूरा हक करेंगे नी को, और चिन को धीरे धीरे उठाएंगे, चिन को नी के बीच में, और टोज को बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करके, और पूरा जितना टाइटली आप हक कर सकते हैं वैसे करेंगे, परफेक्ट। इस तरह से ये आपको पोस्चर ध्यान देना चाहिए, इस तरह से हक करना चाहिए, और ये आपका हेड ऊपर की तरफ आएगा, चिन लगेगा, और आधी सांस भरे हुए रोकना है, और उस आधी भरी हुई सांस को नीचे की तरफ प्रेस करना है, नीचे से निकालने की कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर को नीचे की तरफ और लेग्स को सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। इस पोस्चर को भी 10-15 सेकेंड्स होल्ड करना है, 3-5 टाइम्स रिपीट करना है। फिर इसके बाद कंद्रासन, इसमें दोनों पैर को मोड़ लेंगे और एंकल को दोनों हाथ से पकड़ेंगे और बट को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच। सिर को स्टेबल ग्राउंड पर रखेंगे, नी को ऐसे 90 डिग्री पर, और बट को ऊपर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करके रोकेंगे। इसमें सांस को भरकर यदि इस पोस्चर को रोके रखें तो और अच्छी बात है, लेकिन पहले दिन से इसका अभ्यास न करें, धीरे धीरे सांस रोकने का अभ्यास धीरे धीरे से बढ़ाएं। आफ्टर 10-15 सेकेंड्स स्लोली कम डाउन, गुड, लेग्स स्ट्रेट। नाउ टर्न ऑन टमी, धनुरासन, इसमें दोनों पैरों को मोड़ लेना है, आधी सांस भरनी है, एक एक पैर के एंकल को धीरे धीरे पकड़ लेंगे, सांस आधी भरेंगे और दोनों हाथ को ऊपर की तरफ धीरे धीरे पुल करेंगे, हेड इन बैक स्ट्रेच। अब इसमें आपका पूरा बॉडी का वेट अब्डोमेन के ऊपर है, अब्डोमेन के ऊपर होने से जो अब्डोमिनल कंटेंट है उस पर प्रेशर भी आता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें एक साथ होने से वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। स्ट्रेच करेंगे थोड़ा और ऊपर, 10-15 सेकेंड्स इस पोस्चर को भी होल्ड करके रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, रिलैक्स, लेग्स स्ट्रेट, टर्न ऑन बैक। इतना करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट तक शवासन कर लेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। बैठने के बाद 10-15 मिनट्स आपको टाइम निकालकर ये मुद्रा करनी चाहिए, अपान वायु मुद्रा। मुद्रा के नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, बॉडी के टॉक्सिन्स को, एक्स्ट्रा एयर को बॉडी से रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल है। उसके साथ साथ हार्ट के लिए भी ये मुद्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आपको फिंगर्स की हेल्प से ये मुद्रा बनानी है, सारे उंगलियों को सीधा करेंगे पहले और बीच की दो उंगलियों को ऐसे थंब से लगाएंगे और ये फर्स्ट फिंगर को रूट के थंब पर, फर्स्ट फिंगर को रूट के थंब पर जेंटली प्रेस करेंगे और बीच की दो उंगलियों के ऊपर थंब को रखेंगे इस तरह से, और इस उंगली को सीधा रखेंगे। तो इस तरह से ये मुद्रा आपको बनानी है और दोनों हाथ से ये जब मुद्रा आप बनाते हैं तो आप चलते फिरते न बनाएं, शांति से आप बैठ जाएं, चाहे तो चेयर पर बैठ जाएं या जहां भी बैठकर इस मुद्रा का आपको अभ्यास करना चाहिए। सारे उंगलियों को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, लूज ही रखना है, लेकिन प्रेशर होना चाहिए, सॉफ्ट प्रेशर होना चाहिए। 10-15 मिनट्स इस मुद्रा का अभ्यास करके आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं।